सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो वी हैव स्टार्टेड BSc 5th सेम मैथ्स ग्रुप एंड रिंग्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 में टॉपिक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप तक कर लिया था। आज उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस हम करेंगे कुछ थ्योरम्स, जो कि क्या हैं, थ्योरम्स बेस्ड अपॉन ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इनमें से आपको एक ना एक थ्योरम एग्जाम में जरूर मिलेगी। सो लेट अस सी वो थ्योरम्स क्या हैं। सो वी हैव थ्योरम वन, क्या कह रखे इसमें, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ फाइनाइट। यानी कि जो ऑर्डर होगा किसी भी एलिमेंट के फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या है कि जो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, मे बी 4, 5, 10 या 100, तो उसका जो ऑर्डर होगा किसी भी एलिमेंट का तो वो होगा फाइनाइट एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मान लीजिए कि मेरे पास अगर ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी से, जहाँ पर जी क्या है, फाइनाइट है, तो हमें क्या शो करना है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है, पहली बात तो वो होगा फाइनाइट, मान लेते हैं, एंड इज़ लेस देन, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो मतलब कि यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो लेस देन होगा और इक्वल टू होगा ग्रुप के ऑर्डर से। यानी कि कभी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को सरपास नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ग्रुप का जो ऑर्डर है वो है 5, यानी कि ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 5, तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट का निकालता हूँ ऑर्डर, तो 5 से आगे कभी नहीं जाएगा। उसका ऑर्डर 5 हो सकता है, बट वो कभी भी 5 से 6 नहीं होगा। तो ये कुछ इस थ्योरम में कह रखा है। सो लेट अस सी इसको हम कैसे करते हैं। सो लेट कर लिया हमने कि जी जो है वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, और ए जो है वो बिलोंग करता है जी से। और हमने पहला टॉपिक किया था स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज की, कि अगर ए बिलोंग करता है जी से तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए स्क्वेयर, ए क्यूब, ए फोर अप टू ए की पावर एन, वो भी जी से बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए कोमा ए स्क्वेयर कोमा ए क्यूब अप टू, ये चलते रहेंगे, ये सारे क्या हैं, आर एलिमेंट्स ऑफ जी, ये सब भी जी से बिलोंग करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या लिखा है, सिंस जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जी में वो फाइनाइट है, देयरफॉर जो ए है ए स्क्वेयर ए क्यूब आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। सिंस जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जी में वो फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि जो ये सीरीज है, यानी कि जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसी एक इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो सारे मेरे पास डिस्टिंक्ट नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पर जो एलिमेंट है वो बराबर होंगे। तो हमने मान लिया कि ए की पावर एम वन इक्वल होगी ए की पावर एम टू के, यानी कि किसी पॉइंट पर अगर मैं ए की पावर रेज कर दूँ एम वन और ए की पावर रेज कर दूँ एम टू, तो वो दोनों बराबर रहेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने अभी पिछले लेक्चर में क्वेश्चन करे थे ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन किया था ये वाला, ये मेरे पास कोई सेट था, निकालना था हर एलिमेंट का ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई की, आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ थी 1। अब देखिए मान लीजिए मैं निकालता हूँ -1 का ऑर्डर, तो -1 का ऑर्डर आएगा मेरे पास 2, क्यों, क्योंकि -1 को आप दो बार करिए मल्टीप्लाई तो आएगा आपको पास 1। अगर मैं -1 की पावर करता हूँ 4 तो कितना आंसर आएगा 1, मैं करता हूँ -1 की पावर 6 कितना आंसर आएगा 1, मैं करता हूँ -1 की पावर 8 कितना आंसर आएगा 1। अब आप खुद सोचिए कि पावर मैं कर रहा हूँ रेज 2 तब भी आंसर आ रहा है 1, पावर रेज कर रहा हूँ 4 तब भी आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी पॉइंट पर आकर जो वैल्यूज़ है वो रिपीट होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 ही आ रही बार बार वैल्यू। तो इसका मतलब हमने लिखा है कि ए की पावर को मैं अगर करूँ एम वन से रेज, एम वन कोई भी अलग इंटीजर है, मान लीजिए 2 हो गया इस केस में, और एम टू क्या है, कुछ और इंटीजर, मान लीजिए 4। ए की पावर मैं करूँ रेज 2 से और ए की पावर रेज करूँ मैं 4 से, तो दोनों जो है बराबर रहेंगे, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ 1। तो आप बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ग्रुप जो है वो फाइनाइट है तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कभी भी डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, किसी एक पॉइंट पर आकर वो खुद का रेपिटेशन स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर एम वन जो है वो एम टू से बड़ा है, अगर मैं दोनों साइड कर दूँ पावर रेज ए की पावर माइनस ऑफ एम टू, तो क्या बनेगा, ए की पावर एम वन माइनस एम टू इज इक्वल्स टू ए की पावर एम टू माइनस एम टू, तो ये कितना बन गया, ए की पावर 0। तो क्या बन गया, ए की पावर एम वन माइनस एम टू इज इक्वल्स टू ए की पावर 0 क्या होता है, 1। यानी कि इस केस में क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी, क्योंकि जो जी है वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लाई, तो इसका मेरे पास क्या होगा आइडेंटिटी वन, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखा हमने ई, ई लिख दीजिए आप, वन लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या बन गया कि हमने ए की पावर को रेज किया एम वन माइनस एम टू, उससे मेरे पास आ चुकी है आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसकी डेफिनेशन है मेरे पास ऑर्डर की, सो ऑर्डर ऑफ ए। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें यह नहीं पता कि एम वन माइनस एम टू लीस्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑर्डर का मतलब क्या था कि लीस्ट नंबर होना चाहिए जहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी आ रही है। तो इस केस में तो लीस्ट, जो लीस्ट नंबर है वो है टू। अगर मान लीजिए एम वन माइनस एम टू मेरे पास आता है फोर, तो इन दैट केस हमें नहीं पता, अगर दिया होता लिस्ट है तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डर है। अब मुझे नहीं पता कि ये लिस्ट है नहीं, क्या आप तो ये चार हो, क्या आप तो इसका डिफरेंस चार है, क्या आप छः आए, तो हम क्या लिखते हैं इस केस में, अगर हमें श्योरिटी ना हो तो हम लिखते हैं कि अगर जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू एम वन माइनस एम टू। अगर ऑर्डर होता उसका मतलब क्या था कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होता है एम वन माइनस एम टू के, यानी कि एम वन माइनस एम टू क्या है सबसे छोटा इंटीजर है जहाँ पर पहली बार मुझे मिली है आइडेंटिटी। बट यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये लिस्ट है नहीं है, इसलिए जो इसका ऑर्डर होगा ए का वो उससे छोटा होगा एम वन माइनस एम टू के डिफरेंस से। और मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ एम, जहाँ पर एम क्या है एम वन माइनस एम टू। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू एम है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है इज़ फाइनाइट। तो हमें एक चीज़ तो ये शो करनी थी कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो फाइनाइट होगा, यानी कि अगर ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा फाइनाइट होगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर होगी प्रूव। तो अब हम करेंगे सेकेंड रिजल्ट को प्रूव, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। उसके हम कैसे करेंगे प्रोसीड, हमने मान लिया कि जो एन है वो ऑर्डर है ए का, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू होगा एम, एम क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है बट ये लिस्ट नहीं है। हमने मान लिया कि जो एन है वो ऑर्डर है ए का, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए की पावर एन टाइम्स रेज करूँ तो मुझे मिलेगा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए की पावर रखूँ वन, ए की पावर रखूँ टू, ए की पावर रखूँ थ्री अप टू ए की पावर एन, तो ये सारे क्या हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। और ये सारे कहाँ पर लाई कर रहे हैं मेरे पास जी में, क्योंकि जी मेरे पास क्या था ए से लेके ए क्यूब अप टू चलते रहेंगे सारे आर एलिमेंट्स ऑफ जी, तो ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं आर एलिमेंट्स ऑफ जी। अब हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ जी। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे इसको रिवर्स में लेकर, हम मानेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी है, वहाँ से हम प्रूव कर देंगे विद कॉन्ट्रडिक्शन कि ये सब सही नहीं है। सेलेक्ट कर लिया हमने कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है। अब बट ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी एन, इट इज़ ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब क्या आ गया कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो लेस देन एन है। इससे आप क्या ड्राइव कर पा रहे हैं, इससे हम ये ड्राइव कर पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जी में वो लेस देन एन है, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज लेस देन एन, हमने ये बात कही। बट अगर मैं देखूँ ध्यान से वन को, तो वन क्या थी ए से लेके ए स्क्वेयर ए क्यूब अप टू ए की पावर एन, ये सारे क्या हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि वहाँ पर ए की पावर एन भी इंक्लूड है। बट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जी में वो एन से छोटे हैं, एन से छोटे होने का मतलब क्या है कि ए की पावर एन माइनस वन तक। तो ये तो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है जी में वो एन से होना चाहिए कम, और ये कह रहा है कि ए की पावर एन भी वहाँ लाई करता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आगे दोनों से। सो हमने क्या लिखा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है किसको, रिजल्ट वन को। इसका मतलब क्या है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन जो है वो रॉन्ग थी। इसका मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो कभी भी जी से बड़ा नहीं होगा, सो देयरफॉर जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ जी। सो ये फर्स्ट थ्योरम होती है कंप्लीट यहाँ पर। सो वी हैव थ्योरम टू, क्या है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इस इनवर्स, कि अगर ए कोई बिलोंग करता है एलिमेंट जी से तो ऑर्डर ऑफ जो ए आएगा वो इक्वल आएगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूँ ऑर्डर ऑफ ए एन के इक्वल और ये मैं लेता हूँ एम के, तो मुझे शो करना है कि एम एम बराबर एन। तो इसको शो कैसे करेंगे, आपको बस एक बात रखनी है कि हम इसको शो कैसे करेंगे। मैं पहले शो करूँगा कि जो एन है वो लेस देन इक्वल टू एम है, देन वी विल शो दैट एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन।
और इन दोनों के बेस पर हम कहेंगे कि जो एन है वो इक्वल होगा एम के। ये आपने अपनी जूनियर क्लास से पढ़ा होगा 11th 12th में, तो वही कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। सो पहले हमने लेट किया कि जो ए है वो बिलोंग करता है जी से, और अब हम करते हैं केस वन, जहाँ पर हम मानेंगे कि हमें ऑर्डर ऑफ ए, हमने मान लिया कि वो एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन का मतलब क्या कि ए की पावर को आप एन टाइम रेज कीजिए तो मुझे मिलेगी आइडेंटिटी। अब इसको मैं करता हूँ ओपन ए डॉट ए डॉट ए अप टू ए, ये कितने टाइम हो रहा है ये मेरे पास, दिस अकर्स एन टाइम्स, इट इज़ इक्वल्स टू ई। अगर मैं यहाँ ले लूँ इसका इन्वर्स तो क्या बनेगा, ए डॉट ए अप टू चलता रहेगा ए तक, इसका इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई का इन्वर्स, ये भी हो रहा है मेरे पास एन टाइम्स। अब इन्वर्स को मैं लाता हूँ ब्रैकेट के अंदर तो क्या बनेगा, ए का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स चलता रहेगा, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स मेरे पास आइडेंटिटी आता है, तो ये आ गया मेरे पास एन टाइम्स। दिस कैन बी रिटन एज ए इनवर्स की पावर एन इज इक्वल्स टू ई, क्योंकि एन टाइम्स कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या बन गया मेरे पास कि ए इनवर्स की पावर मैंने एन टाइम्स रेज करी तो मुझे मिल चुकी है आइडेंटिटी। बट एक और बात, यहाँ तो मैं पता था कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, इसका मतलब क्या था कि एन जो है वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पर आइडेंटिटी मुझे मिली है, बट यहाँ पर है ए इनवर्स की पावर एन इज इक्वल्स टू ई, बट यहाँ मुझे नहीं पता कि एन जो है इस केस में ए इनवर्स के केस में अगर मैं एन पावर एज करता हूँ तो मुझे मिलेगी आइडेंटिटी। तो हम क्या लेके चलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो, क्योंकि यहाँ पर हम श्योर नहीं है कि एन जो है वो यहाँ पर उसका ऑर्डर है या नहीं, तो हम क्या लेकर चलेंगे कि जो इसका ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमने मान लिया कि इक्वल है एम के, तो इससे मेरे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन। तो ये तो होगी बात फर्स्ट की। तो हम लेते हैं केस सेकंड में हम लेकर चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स को आप एम टाइम्स रेज कर दिए तो मेरे पास आएगा ई, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, ये कितने टाइम है मेरे पास एम टाइम्स, इसका मैं करता हूँ इनवर्स इज इक्वल्स टू ई का इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, क्योंकि ई का इनवर्स आप करेंगे तो ई ही आएगा। तो ए इनवर्स का मैं दोबारा इनवर्स करूँगा कि क्या बनेगा, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ई, ये मेरे पास क्या है, दिस इज अप टू एम टाइम्स, तो ये क्या बन गया ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई। अब यहाँ से क्या बनता है, ए की पावर को हमने एम टाइम रेज किया विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बट हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या है, हमने ले रखा है ऑर्डर ऑफ ए, हमें ले रखा है एन, यानी कि जो एम है वो एन से तो बड़ा होगा पहली बात तो, क्योंकि एन जो है वो होता है लिस्ट और एम इस केस में होगा उससे बड़ा, तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ से क्या आएगा, या तो एम से होगा छोटा या एम के होगा बराबर, बट ऑर्डर ऑफ ए में क्या दे रखा है एन, सो एन इज़ लेस देन एम। अगर मैं आप करूँ वन और टू को, सो यहाँ से दे रखा है एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन और एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम, तो फ्रॉम वन एंड टू मेरे पास क्या आता है, फ्रॉम वन एंड टू मेरे पास आएगा कि जो एन है वो इक्वल होगा एम के, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के, एंड हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे पास लास्ट केस भी रहता है। अगर मान लीजिए कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो मेरे पास हो इनफाइनाइट, तो मुझे करना है कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो होगा इनफाइनाइट, क्योंकि जो हमने पिछले दो केस किए थे वो थे फाइनाइट के ऊपर, कि अगर एन और एम हो, और एन और एम के होंगे हमेशा फाइनाइट होंगे। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेंगे किसी एक को कि उसका जो ऑर्डर है वो फाइनाइट नहीं है, और बाद में हम क्या कर देंगे वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन कि उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं होगा। सो लेट हमने कर लिया कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो हम मान लेते हैं इक्वल एम के, जो कि क्या है फाइनाइट, तो इससे क्या होगा ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल्स टू ई। अब इसको मैं कर सकता हूँ पावर को इंटरचेंज, तो क्या बनेगा ए की पावर एम इसका इनवर्स इट इज़ इक्वल्स टू ई, इसका मतलब क्या आ गया ए की पावर एम इट इज़ इक्वल्स टू ई का इनवर्स इट इज़ इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू एम है, बट हमने क्या मान रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों, ये तो मेरे पास आ गई कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इससे तो आएगी वैल्यू फाइनाइट, क्योंकि एम जो है वो है फाइनाइट क्वान्टिटी,
तो ये तो आएगा यहाँ से फाइनाइट क्वांटिटी, बट हमने मान रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एफ इनफाइनाइट, तो ये तो होगा कॉन्ट्रडिक्शन, एज ऑर्डर ऑफ ए जो है वो है फाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो होगा इनफाइनाइट, इट कैन नेवर बी फाइनाइट। तो अब होता है कंप्लीट क्वेश्चन है।